कराह में सीएम के सभास्थल मॉडल स्कूल परिसर में लगा कचरे का ढेर। कार्यक्रम के बाद अभी तक कचरा साफ नहीं करवाया गया, वन विभाग। खबर कराह से है, जहां विगत 22 अगस्त को वन विभाग द्वारा एक तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम का आयोजन कराह मॉडल स्कूल परिसर में किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे और उन्होंने प्रदेश भर के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से बोनस वितरण किया था, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ कार्यक्रम में देखी गई थी। अब ये कार्यक्रम को संपन्न हुए आज 10 दिन बीत गए हैं, मगर कार्यक्रम के दौरान हुई गंदगी को वन विभाग के जिम्मेदार अभी तक साफ नहीं करवा रहे हैं। आज भी परिसर में पानी, पाउच की खाली पन्नी और अन्य सामग्री की गंदगी सारे मैदान में बिखरी हुई है। कई जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। आलम यह है कि अब इन कचरे के ढेर से दुर्गंध तक आने लगी है। स्कूली बच्चे और स्टाफ को इससे खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं गौवंश भी मैदान में पड़ी इन पन्नियों को खा रही है, जिसका क्या परिणाम होगा ये सब जानते हैं। चूंकि इस कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी वन विभाग के ऊपर थी, तो ये सफाई की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए और स्वच्छता की ओर ध्यान देते हुए इस गंदगी की सफाई जल्द से जल्द करवानी चाहिए। देखिए फास्ट समाचार संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।